आज के दौर में इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में तन और मन दोनों ही रूप से थक जाना एक आम सी बात हो गई है, और यही बिजी लाइफस्टाइल बदले में हमें गिफ्ट करता है स्ट्रेस और थोक के भाव ढेर सारी बीमारियां। पर इस स्ट्रेस से भरी लाइफ में एक चीज ऐसी भी है जो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देती है, और वो है डांस। जी हाँ, डांस एक ऐसी एक्टिविटी या फिर यूं कहें कि ये एक ऐसा साधन है जो हमारे हर तरह के मर्ज का इलाज बन सकता है, फिर चाहे वो मर्ज मेंटल हो या फिजिकल। और बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवेश ग्रामीण है या शहरी, या आप जवान हैं या बूढ़े। इस बात का जीता जागता प्रमाण है वीकेंड्स पर डिस्को और क्लब्स में डांस करना, जहाँ डांस के जरिए सारा का सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। जयाचंद्रन पालाजी, जो कि अटाकालारी सेंटर फॉर मूवमेंट आर्ट्स के आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं, बताते हैं कि जब हम डांस करते हैं तो हमारे शरीर की मोटर एक्टिविटी न्यूरॉन्स की फायरिंग को ट्रिगर करती है, यानी वे नए तरीकों से जुड़ते हैं और इस प्रकार से नए न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। आगे पालाजी कहते हैं कि मूवमेंट सीक्वेंस के रिपीटेशन से ब्रेन में इन न्यूरल नेटवर्क की मैपिंग होती है, जिसे आमतौर पर हम मसल मेमोरी के नाम से जानते हैं। पालाजी की बात से ये तो समझ आता है कि डांस में स्टेप्स के रिपीटेशन से हमारी मसल मेमोरी स्ट्रांग बनती है, पर क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है? न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो का कहना है कि सीखना और मेमोरी बनाना हमारे व्यक्तिगत मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के आरेखों को छेड़छाड़, मॉडलिंग, आकार देने, करने और फिर से करने की प्रक्रिया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो सिर्फ डेफिनेशन और थ्योरी की बात है, पर प्रैक्टिकली डांस से कोई बीमारी भी ठीक होती है क्या? जी हाँ, डांस के कई पॉजिटिव इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी के ट्रीटमेंट में नोटिस किए गए हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी कई स्टडीज भी हुई हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2003 में जो वर्गेस और उनके साथियों द्वारा 75 वर्ष से ज्यादा के लोगों पर एक रिसर्च पब्लिश की गई, जिसमें 5.1 साल के एवरेज फॉलोअप पीरियड में 124 लोग डायमेंशिया से ग्रसित हुए। यहां आपको बता दें कि डायमेंशिया एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें बढ़ती उम्र के साथ मेमोरी लॉस और चिड़चिड़ेपन की शिकायत होती है, जो कि इस रिसर्च में शामिल लोगों में से कोई भी डायमेंशिया से ग्रसित नहीं था। और 5.1 वर्ष के स्टडी पीरियड में इन लोगों की गहनता से मॉनिटरिंग की गई और इनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर खासा ध्यान रखा गया, और इस स्टडी का रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला आया। जो और उनकी टीम ने पाया कि जो लोग अपने दैनिक जीवन में डांस, स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक प्लेइंग जैसी एक्टिविटीज से जुड़े थे, उनमें डायमेंशिया का रिस्क ना के बराबर पाया गया। और साथ ही यह भी पाया गया कि उनकी सोचने, समझने और नॉलेज गेन करने की क्षमता भी पहले की तुलना में बढ़ी है। लेकिन जो कि इस रिसर्च से दो कदम आगे, सोशल डांस स्टैनफोर्ड एजुकेशन नामक संस्था ने अपनी वेबसाइट पर लेख लिखते हुए अपनी रिसर्च का खुलासा किया है और बताया है कि हर एक्टिविटी में डांस का रोल डायमेंशिया कम करने में सबसे ज्यादा था, जो लगभग 76% तक रहा। पर क्या डांस सिर्फ डायमेंशिया जैसी बीमारियों में ही हेल्पफुल है, या फिर और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें डांस एक कारगर दवा के रूप में काम कर सकता है? क्या वाकई में डांस के हमारे शरीर पर बताए जाने वाले पॉजिटिव इफेक्ट्स का कोई ठोस प्रमाण है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के जर्नल में जुलाई 2019 में इफेक्ट्स ऑफ डांस एक्टिविटीज ऑन पेशेंट्स विद क्रॉनिक पैथोलॉजीज नाम से एक रिसर्च पब्लिश हुई, जिसमें लगभग 16 तरह की बीमारियों पर डांस के इफेक्ट्स को स्टडी किया गया। उनमें से बहुत ही आम पर अधिकांश लोगों में पाई जाने वाली कुछ बीमारियों की स्टडी यहाँ पर शामिल की गई है। इस रिसर्च के अनुसार एक स्टडी मोटापा और डायबिटीज से ग्रसित 95 अलग अलग उम्र के लोगों पर की गई, और पाया गया कि 16 हफ्तों के डांस सेशंस के बाद इन सभी लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेल्फ मोटिवेशन के स्तर में सुधार हुआ है, और इस सुधार का मुख्य कारण वेट लॉस रहा। इसी तरह 61 ओवरवेट बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स में 16 हफ्तों के ही डांस सेशंस के बाद गिरावट दर्ज की गई थी। डांस हमारे मन को खुश रखता है और हमें स्ट्रेस फ्री भी रखता है, ये बात हम सभी ने बहुत बार सुनी है, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने अपनी इस रिसर्च से इस बात की प्रमाणिकता पर मोहर लगा दी है। NLM की रिसर्च में हार्ट फेलियर और हाई ब्लड प्रेशर के 171 लोगों पर स्टडी की गई और लगातार उन्हें डांस सेशंस अटेंड करवाए गए, और बहुत ही कम समय में ही डांस के इफेक्ट्स उनकी सेहत पर सामने आए, और रेगुलर मॉनिटरिंग से पता लगा कि ये सुधार सिर्फ उनकी आउटर बॉडी पर ही नहीं, उनके हार्ट की हेल्थ में भी है, जो कि उनके कार्डियक फ्रिक्वेंसी में सुधार के रूप में देखा गया। आज
हमारा जीवन अनेकों बीमारियों से ग्रसित है और इस वजह से हम किसी न किसी तरह की दवाइयाँ जरूर लेते ही रहते हैं, जिनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और इन साइड इफेक्ट्स में खून का गाढ़ा होकर थक्का जम जाना एक मामूली चीज बनती जा रही है, जिससे स्ट्रोक आने के चांसेस भी बढ़ते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जर्नल की ही एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि डांस स्ट्रोक और उसके बाद हेमिपेरेसिस नाम की बीमारी से भी बचाता है। इस रिसर्च के मुताबिक स्ट्रोक के बाद हेमिपेरेसिस के 20 लोगों पर अध्ययन किया गया और पाया गया कि 10 हफ्तों तक मात्र 10 डांस सेशंस के बाद ही उनकी बॉडी में बैलेंस इम्प्रूवमेंट आया है। इन सभी रिसर्चेस और स्टडीज का सार मात्र यही है कि जिंदगी में समय ज्यादा हो या कम, मन में खुशी हो या गम, बस करते रहिए डांस हरदम और बनाइए अपना जीवन सुगम।